नमस्कार दोस्तों, सुशील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जो खबरें छिपाता नहीं दिखाता है। कोरोना के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों के खाते में मदद की खातिर बड़ी धनराशि करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बड़ी मदद की। योगी जी ने कोर टीम के साथ बैठक के बाद दैनिक वेतन भोगी करीब 5 लाख लोगों के खाते में DBT के माध्यम से 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नगर विभाग द्वारा चिन्हित दैनिक कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, मंडी में काम करने वाले पल्लेदार आदि को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। इसमें हम लोग 20 लाख निर्माण श्रमिकों को ये राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, रिक्शा है, ई रिक्शा, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने एक सर्वे करा करके सभी प्रशासन को इसके बारे में आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई है कि स्वाभाविक रूप से इस समय लॉकडाउन के कारण इन सब का कार्य प्रभावित है, इनको भी भरण पोषण का एक भत्ता दिया जाना चाहिए। 15 लाख से अधिक ऐसे सभी लोगों को भी जो दैनिक अपनी कमाई करते थे, आज उनकी कमाई प्रभावित हुई है, उनको भी राशि उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपये अप किया गया है। उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था। ऐसे लगभग 27,15,000 से अधिक उन मनरेगा श्रमिकों की एक मुश्त राशि उन्हें दी गई और साथ साथ हम लोगों ने 87 लाख उन परिवारों को जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर अन्य पेंशन की योजना को प्राप्त करते थे, समय से पहले उनको पेंशन की राशि एक साथ उन्हें उपलब्ध करवाई गई। ऐसे 87 लाख लोग उस योजना से लाभान्वित हुए हैं। खाद्यान्न प्रदेश के अंदर पहली अप्रैल से बंटना प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक देने की व्यवस्था है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के अकाउंट खोले गए हैं, ऐसी महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी हैं, उन लोगों को आगामी 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर भी। आज दैनिक वेतन भोगी 4,81,755 लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला अधिकारियों से वार्ता करने के दौरान हर गरीब को संभव मदद देने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाजत। आगे खबरों के लिए बन रही है हापुड़ हलचल के साथ।